सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को जनहित में तत्काल प्रभाव से लागू करने के संबंध में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि पिछड़े वर्ग के मौलिक हितों की रक्षा हेतु आरक्षण में वर्गीकरण के उद्देश्य से गठित सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रद्दी की टोकरी में डालना न सिर्फ पिछड़ों के साथ धोखा है बल्कि पिछड़ों के मौलिक अधिकारों का हनन है। ज्ञातव्य है कि विगत वर्ष 2017 विधानसभा चुनाव में पिछड़ों का वोट लेने के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार के शीर्ष नेतृत्व द्वारा सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट को लागू करने का वादा करके पिछड़ों का वोट तो ले लिया गया, लेकिन अब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने का समय आया तो सरकार बहानेबाजी पर उतर आई। समय बढ़ाने के लिए सरकार ने राघवेंद्र सिंह कमेटी बनाकर उपरोक्त गंभीर विषय को लंबित किया, लेकिन राघवेंद्र सिंह कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सदन में मुख्यमंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जल्दी रिपोर्ट लागू करने में आश्वासन देने के बाद भी आज तक मामला लंबित पड़ा है और प्रदेश सरकार ने राघवेंद्र सिंह की सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। प्रतिनिधिमंडल में नरेश कुमार, अनिल कुमार, मनीष कुमार, पप्पू सिंह, राम भरोसे कश्यप, रिंकू सिंह आदि लोग मौजूद थे। हमारा ज्ञापन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित है और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आज पूरे प्रदेश में सभी जगह ज्ञापन जा रहा है। क्या मांगे रखी गई हैं? क्या मांग है? आज मात्र एक टूटी मांग है और एक टूटी मांग है पिछड़े समाज को पिछड़े समाज के आरक्षण में वर्गीकरण की मुख्य मांग है। जबकि ये 2001 में जब माननीय राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी इस मांग को माना था और इस मांग को लागू कराने के लिए मुहिम चलाई थी, परंतु आज तक उस मांग को माना नहीं गया है और ये वर्तमान सरकार ने मनमानी ढंग से अपने ठंडे बस्ते में हमारी मांग डाल दी है OBC को आरक्षण में वर्गीकरण के लिए। जी सुहेलदेव जी हमेशा से ही बीजेपी में भी शामिल थे, अब तो चुनाव में क्या रहेगा गठबंधन? चुनाव 2017 में जब हमारे माननीय अमरा राजभर सुहेलदेव समाज पार्टी के बैनर के साथ इनके साथ संदेश कंधा मिलाकर बीजेपी से चुनाव लड़े थे तब समझौते के तहत मुख्य रूप से यही मांग मानी गई थी कि भाई आप जो है हमारे OBC समाज की जो मांगे हैं जो पिछली मंडल कमीशन और कार्यकर के द्वारा आयोग द्वारा जो है ये मांग पहले पूर्ण पारित की हुई है और लागू करेंगे। माननीय BJP के जो बड़े लीडर थे हमारे माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जो आज हैं, तो इन्होंने इस बात को कहा था कि जब सरकार जैसी बनेगी हम हमारी मांग मानेंगे, जब मांग नहीं मानी तो हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने मंत्रालय को ठोकर मार दी। जी सुहेलदेव जी हमेशा BJP में शामिल होने के बाद जो है योगी जी BJP के खिलाफ बयान देते चले आ रहे हैं। बयान नहीं देते, जो जिन शर्तों पर वो शामिल हुए थे, जिन शर्तों पर सुहेलदेव ने BJP को समर्थन दिया था। क्या शर्त थी सर? शर्त मुख्य रूप से ये है, सामाजिक रूप से जो हमारी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आई थी OBC की, इसमें वर्गीकरण पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा, इसमें जो है 27% को विभाजन कर और उसी का वर्गीकरण करना था, वही लागू करना था। लास्ट सवाल, आप किस पार्टी के साथ जाएंगे आप? ये तो साहब हमारा भागीदारी सब मोर्चा जो है वो तय करेगा कि कहाँ किसके साथ जाना है, इस मामले में हम आपको कुछ नहीं बता सकते।